बाइडेन को मजबूरी की चौखट तक पहुंचाने वाले पुतिन अब एक और बड़ा शिकार करना चाहते हैं। पुतिन की नजर ब्रिटेन के एक ऐसे हथियार पर है जिसे दिखाकर ज़ेलेंस्की बड़ी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब पुतिन इस हथियार को भी मृत्यु दंड देना चाहते हैं। सवाल यह है कि पुतिन ऐसा कब करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा चला आ रहा है ज़ेलेंस्की का एक और फौलादी हथियार। ये यूक्रेन के युद्ध में शामिल हो चुके चैलेंजर टैंक की पहली तस्वीरें। चैलेंजर टैंक का ये वीडियो देखकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश हैं। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि उनके हाथ में चैलेंजर नहीं बल्कि गेम चेंजर लग गया है। ब्रिटेन ने चैलेंजर टैंक ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीदों के साथ दिया है। ब्रिटेन को उम्मीद है कि इसी टैंक से यूक्रेन की फौज पुतिन के मोर्चों को रौंद कर रख देगी। लेकिन जिस तरह युद्ध इस वक्त पुतिन लड़ रहे हैं, क्या उसमें ऐसा मुमकिन है? क्योंकि एक वीडियो पुतिन के पास भी है और वो भी उसे बार बार देख रहे हैं। पुतिन ने पहले लेपर्ड टैंक का शिकार किया और फिर ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल करवा दिया ताकि नेटो इस वीडियो को गौर से देख ले और इस बात को गांठ बांध कर रख ले कि पुतिन की फोर्स के आगे नेटो का हर हथियार फेल होगा, बुरी तरह मारा जाएगा। इस वक्त ज़ेलेंस्की के पास दो बहुत ही खतरनाक टैंक है। एक तरफ लेपर्ड टैंक है, जर्मनी का बनाया गया। यह टैंक पुतिन के पहले ही वॉर में फेल हो चुका है। और अब दूसरी तरफ है ब्रिटेन की तरफ से आया चैलेंजर टैंक, जिसकी उल्टी गिनती किसी भी वक्त शुरू हो सकती है क्योंकि पुतिन के तेवर बहुत ही खतरनाक और निर्दयी नजर आ रहे हैं। पुतिन ने इसका ऐलान एक बड़े मंच पर किया जहां से पूरी दुनिया ने समझा कि पुतिन कैसे यूक्रेन में नेटो के हथियारों को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। पुतिन का दावा है कि नेटो ने यूक्रेन को जितने भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं उसमें 30% खत्म की जा चुकी हैं। сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков. На другом участке тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. पुतिन कह रहे हैं कि F-16 का भी यही हाल होगा। अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिला तो उसका भी आसमान में शिकार किया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक नया चैलेंज पेश कर दिया है। पुतिन के एयरफोर्स को डराने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिसका आकलन अब मॉस्को में किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक सेल्फी वाला वीडियो जारी करके बहुत बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मिला कोई भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ है और ये सिस्टम पुतिन की मिसाइलों को मारने का काम लगातार कर रहे हैं। Топ там в России не рассказывал ним, то наши патриоты знищены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты и сбивают максимально эффективно. Жодного патриота. Филхал Зеленский का जोश चैलेंजर टैंक को देखकर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं। बेचैनी ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों कैंप में है क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। इन सब के बीच में चैलेंजर टैंक और लेपर्ड के शिकार की तस्वीरों ने बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं कि पैनिक कहां ज्यादा है।
सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यह कि युद्ध कौन जीत रहा है। मार्च 2023 में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने यह वीडियो बनवाया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजिनको खुद ब्रिटेन से मिला चैलेंजर टैंक चला रहे थे। यह टैंक मिलने के बाद से ही यूक्रेन की फौज बहुत जोश में है। चैलेंजर टैंक चलाने से पहले देखिए ओलेक्सी रेजिनको ने क्या कहा था। Marvelous. When Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff. Thank you very much from Ukraine to United Kingdom. Challenger 2 बहुत ही शानदार टैंक है और रूस के T-90 जैसे खतरनाक टैंक का मुकाबला करने के लिए विजय ने ऐसे 14 टैंक यूक्रेन को सप्लाई करने का वादा किया था। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने इस टैंक को खुद चलाकर बताया है कि यूक्रेन की फौज इससे रूस की सेना को कुचलने के लिए तैयार है। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन के चैलेंजर का वजन 65 टन वहीं लेपर्ड का वजन 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों टैंक ही नाटो के बहुत खतरनाक हथियार माने जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ पुतिन की तैयारी देख लीजिए। पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू को टैंक बनाने वाली एक फैक्ट्री में भेजा ताकि उत्पादन का जायजा लिया जाए और पता चल जाए कि रूस के कितने नए टैंक जल्द ही फ्रंट पर भेजे जा सकते हैं। यह फैक्ट्री रूस के उमस्क इलाके में है। यहाँ ही T-90 टैंक भी बनता है और बख्तरबंद गाड़ियां भी बनती हैं। सर्गेई शोइगू ने यहाँ एक एक प्रोडक्शन लाइन का हाल जाना ताकि पता चल जाए कि युद्ध वाली डिमांड कब तक और कैसे पूरी हो रही है। सर्गेई लगातार रूस की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। वो इससे पहले उस कारखाने में भी जा चुके हैं जहां रूस की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल का उत्पादन होता है। पुतिन अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहते हैं और यूक्रेन से युद्ध में वो कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा वो कई बार कह चुके हैं। Сейчас вот сожгем все, что им поставили. Ну, посмотрим, что будут делать дальше. Ну, я же сказал, назвал количество. Это примерно 30% примерно, теперь уже точно 30% тяжелой бронированной техники уничтожены.